हेलो एवरीवन। तो आज हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ना क्या है, ये थर्मोडायनामिक्स क्या है, डील करती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। हमारे पास जैसे देखो, हम लोग नेचर में ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के साथ डील करते हैं, जैसे हीट है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या फिर केमिकल एनर्जी है। तो हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि हीट कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी कैसे हीट में कन्वर्ट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें थर्मोडायनामिक्स में आगे जाने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे अगर आपने कोई इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना बन जाएगा, तो आपको पहले एबीसी आनी चाहिए, फिर आप ग्रामर सीखते हो, तो वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है कि अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके बेसिक टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसके बेसिक टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखो जैसे दो चीजें आएंगी, एक आएगा सिस्टम और एक आएगा हमारे पास सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग को देखते हैं। तो अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग को देखती हूं, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको हम बोलते हैं सिस्टम, और जो अंडर ऑब्जर्वेशन को छोड़ के बाकी सारी चीज बच जाती है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग है। अब फॉर एग्जांपल मेरे लिए अगर आप देखोगे ये बोर्ड या फिर ये रूम एक अंडर ऑब्जर्वेशन है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे सब कुछ देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टम। अब जो चीज फॉर एग्जांपल कि इस रूम से बाहर वाली जो भी चीज रहेगी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मेरे लिए अगर रूम से मैं बाहर खड़ी हूँ तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एज अ सराउंडिंग। तो इसकी एग्जांपल्स भी है, जैसे ये चीज है सिस्टम और उसके जो बाहर वाला है वो सारा क्या है, सराउंडिंग हो जाएगा। ऐसे ही ये बीकर के अंदर जो चीज है वो हमारा सिस्टम है और जो बाहरली चीज है वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग। तो अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो जो अंडर ऑब्जर्वेशन है चीज वो सिस्टम है, और सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीज क्या है, सराउंडिंग बन जाएगी हमारी, ठीक है, बाकी चीज हमारी क्या बन जाएगी, सराउंडिंग बन जाएगी। अब उसके बाद अब हमारे पास बिल्कुल, क्योंकि अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक टूल्स सीख रहे हैं, अभी वन बाय वन, अभी 10-15 पहले टूल सीखेंगे, फिर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आएंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज हम थर्मोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशन, और उनके बेसिस पे एक क्वेश्चन आ जाएगा 100% श्योरिटी, और प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती हैं। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी स्टेट है जहां पे फिजिकल क्वांटिटीज टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखोगे, इसमें दोनों में क्या है चीज कि ये है एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ा है ये, ठीक है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ा है, क्योंकि ये क्या है, बैलेंस चीज है, ये क्या है, बैलेंस है। और अगर आप देखोगे जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है क्यू और पी का, ये क्या है, कांस्टेंट बन रहा है, एक लाइन बन रही है ना, कि जितना क्यू बढ़ रहा है उतना ही पी बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड भी एक, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है तो स्मार्ट बोर्ड भी एक क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ा है अपनी, ये भी अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है अभी। तो इक्विलिब्रियम स्टेट बेसिकली वो स्टेट है जहां पे फिजिकल क्वांटिटीज टाइम के साथ चेंज नहीं करती हैं। और जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो आगे तीन तरह का हो जाता है, एक हो जाएगा हमारे पास केमिकल, एक होएगा थर्मल, और एक होएगा मैकेनिकल। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। अब मैंने बोला इक्विलिब्रियम में कि फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती, फिजिकल क्वांटिटीज चेंज नहीं होती है, फिजिकल क्वांटिटीज में तो ढेर है, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, कौन सी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब बोला जाएगा जब जो प्रेशर है अगर वो टाइम के साथ चेंज ना हो, उसको आप बोलोगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
जब टेम्परेचर आपका प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा उसको आप बोलोगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जैसे हम इसको ऐसे समझा सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास ये है, दो डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये क्या है, इसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर है P2, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि P1 P2 इक्वल नहीं है, बट अगर आपके पास एक ऐसी स्टेट आ जाए जहां पे दोनों का प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब आप इस स्टेट को बोलोगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, प्रेशर आपका सेम हो गया। जैसे इस एग्जांपल में भी यही बताया हुआ है, यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे है प्रेशर P2। अगर आप इधर देखोगे यहाँ पे प्रेशर है अगर P तो यहाँ पे भी प्रेशर है P, ठीक है, तो दोनों में प्रेशर क्या हो चुका है, सेम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वो है जहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, मतलब प्रेशर टाइम के साथ फर्दर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे जो कंसंट्रेशन है या फिर मास बोल सकते हो वो टाइम के साथ चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे पहले मास M है, यहाँ पे मास 0 है, बट क्या हुआ, जब ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर करते करते हम लोग ऐसी स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहां पे क्या हो जाता है, इसका मास भी अगर M है तो इसका मास भी क्या है, M है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो इसको यहाँ पे कि अगर आपके पास इसका मास, हम मान लेते हैं इसको लिख देते हैं कि इसका मास है M1, इसका मास है M2, तो जब ये ट्रांसफर होता है तब क्या होता है कि इसका मास हो जाता है M, इसका मास हो जाता है M, तो दोनों का मास इक्वल हो जाता है, तो अब वो एक्सचेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब जो मास है वो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी, तो अगर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इस स्टेट को, इस स्टेट पे जहां पे मास टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, तो इस स्टेट को हम क्या बोल देंगे कि ये स्टेट आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो मैकेनिकल में क्या है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, केमिकल में क्या है, मास चेंज नहीं हो रहा जब कंसंट्रेशन से मतलब चेंज नहीं हो रही है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड आ जाता है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जहां पे टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। जैसे अगर आप इसको देखोगे, इसका 100 है, इसका 0 है, ठीक है। अगर आप इस स्टेट को देखोगे, इसका 50 है, इसका 50 है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो पहली चीज तो नेचर में एक जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नेचर में अगर आप देखोगे ना, जो एनर्जी है वो कहां से कहां ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो क्या होगा, इसकी हायर मतलब एनर्जी कहां से ट्रांसफर होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर है तो एनर्जी भी तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो इस स्टेट में क्या होता है, इस स्टेट में क्या होगा, इसका हायर टेम्परेचर है, इसका क्या है हमारे पास 0, तो एनर्जी ट्रांसफर होगी 100 से 0 की तरफ, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर होगी 100 से 0 की तरफ, तो अगर 100 से 0 की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, इसमें इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एनर्जी अगर यहां से यहां जा रही है तो इसका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी ये डिक्रीज होके 50 पे पहुंच गया और ये इंक्रीज होके 50 पे पहुंच गया, ठीक है। पहले ऐसी थी चीज कि इसका ज्यादा था इसका कम था, तो इससे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ये दोनों चलते चलते एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल हुआ, अब फर्दर एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं करेगी। अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगी तब हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर आपका आगे फर्दर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, तो स्टेट को आप क्या बोलोगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो तीन तरह की चीजें पढ़ी हैं आपने अभी, ठीक है, मैकेनिकल क्या है, केमिकल क्या है और थर्मल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होने चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा वर्क डन, ठीक है, कि हम थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हम वर्क डन ये पढ़ते हैं, वर्क डन क्या पढ़ते हैं,
एफ इंटू डी एस, यही पढ़ते हैं ना वर्क डन हम अभी तक। हम लोग क्लासिकल में मतलब किसी भी लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो वर्क डन होता है स्मॉल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में बात करते हैं तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है ये कॉन्सेप्ट, कि एक तरफ क्लासिकल मैकेनिक्स है, एक तरफ क्लासिकल मैकेनिक्स है और एक तरफ थर्मोडायनामिक्स है, इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, जैसे अगर मैं क्लासिकल की बात करूं तो क्लासिकल में क्या है कि अगर देखो मेनली हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, वो फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, जो चीजें बन गई कि मैं कैसे मूव कर रही हूँ, ठीक है, ये मोबाइल अब यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद कहाँ पे होगा, ये अर्थ कैसे मूव कर रही है, सन कैसे मूव कर रहा है, तो ये सारी चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम वन बाय वन। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जो चीजें विजिबल है ना मुझे, ठीक है, इस नेक्ड आई से जो मुझे चीजें दिख रही है वो लग हम क्लासिकल से उसको मेजर करते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम क्लासिकल से फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अभी देखें कि क्लासिकल में फॉर एग्जाम्पल, अब सब लोगों को मैं तो दिख ही रही होंगी, ठीक है, तो अगर मैं दिख रही हूं तो अगर आपने मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मेरे ऊपर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया कि हाँ ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्स है उसका, ये वाई है, ये जेड है। अगर आपको उसकी पोजिशन पता चल गई, ठीक है, अगर आपको पोजिशन पता चल गई तो आप पोजिशन का डेरिवेटिव कर दोगे, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दो, डीवी बाय डीटी कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप फोर्स निकाल सकते हो, एम इंटू वी आ जाएगा, मतलब एम इंटू ए, आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी, पोजीशन पता चल गई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, मोमेंटम, फोर्स, कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। बट क्लासिकल में ये चीज होती है, क्योंकि मुझे पोजीशन फाइंड कर, पोजीशन पता चल गई ना। बट थर्मो में क्या रहता है, थर्मो में तो हम लोग मोस्टली सॉलिड्स की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं। अब गैस का ही लगा लो, गैस की पोजीशन कहाँ से फाइंड करेंगे, वो तो मेरे को दिखती भी नहीं है। अब जो चीज दिखती नहीं है उसकी मैं पोजीशन कैसे फाइंड करूंगी। तो हम लोग जैसे इधर मैं क्लासिकल में पोजीशन पे फोकस करती हूँ कि पोजीशन पता चल गई तो सब कुछ पता चल जाएगा, हम लोग थर्मो में क्या करते हैं, हम लोग बात करेंगे एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, इसमें गैस भर रखी है, ठीक है, तो इसका अगर मुझे प्रेशर पता चल जाए, वॉल्यूम पता चल जाए या टेम्परेचर पता चल जाए, ये हमारे पास तीन एक वेरिएबल्स हैं जिनको थर्मोडायनामिक वेरिएबल या फिर स्टेट वेरिएबल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पोजीशन की जगह पीवीटी की बात करेंगे। ठीक है, अगर मेरे को किसी सिस्टम के बारे में, मतलब किसी सिस्टम का प्रेशर पता चल जाए, वॉल्यूम पता चल जाए, टेम्परेचर पता चल जाए, तो मैं ये सारी चीजें निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसके साथ डील करेंगे। बट अगर मैंने किसी सिस्टम का वर्क डन फाइंड करना हो तो वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या है, वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या है कि मुझे ये चीज पता, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं है, ना ही फोर्स पता है, तो हम ये एक्सप्रेशन से कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखो क्या होता है, हम लोग इसको चेंज करते हैं, हम लोग इसको चेंज करते हैं। आपको इतना पता है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये भी पता होगा कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यही होता है ना, अगर हम प्रेशर को मैथमेटिकली लिखना हो, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो यही वाली वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो वर्क डन हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना, तो चेंज इन क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम। तो अब हम अभी
थर्मोडायनामिक्स में इस टर्म की बात करेंगे कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, वो पी इंटू डीवी के इक्वल है। ठीक है, तो हमें अभी वर्क डन पता चल गया है, ठीक है, कि वर्क डन क्या होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि अभी हम जस्ट बेसिक टूल सीख रहे हैं, अभी हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। अभी हम एबीसी सीख रहे हैं थर्मो की, तो वर्क डन हमें पता चल गया। अब आप लोग थर्मो में स्पेशली बार बार वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखोगे, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है पी इंटू डीवी। वर्क डन को क्या लिखोगे, पी इंटू डीवी आपने लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद अब हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, लाइक वो टर्म्स क्या है हमारे पास, जैसे आपको ये वर्क डन तो चलो पता चल गया है कि क्या है, वर्क डन है पी इंटू डीवी। ठीक है, इतनी चीज तो पता चल गई। अब आप नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज क्या है, दो चीजें पढ़नी है हमारे पास। क्या होता है, या तो वर्क डन होता है बाय द सिस्टम, या तो वर्क डन होगा बाय द सिस्टम, या फिर वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम। ठीक है, या फिर वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम, तो दो चीजें हैं, या तो वर्क डन है बाय द सिस्टम, या फिर वर्क डन है ऑन द सिस्टम। अब इससे क्या मतलब है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम लोग सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्क डन ऑन द सिस्टम से क्या मतलब है, कि हम लोग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग काम कैसे कर रहे हैं, ये है। ठीक है, एक इसमें गैस भर रखी है, इसमें क्या है, गैस है, यहां से मैंने पिस्टन लगा दिया है, इसको प्रेस कर रही हूं मैं, ये क्या लगा दिया है मैंने, पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, ये क्या लगा दिया है, एक मैंने पिस्टन लगा दिया है, तो अगर यहाँ पे पिस्टन लगाया है मैं प्रेस करूंगी इसको। ठीक है, इनिशियली इसका वॉल्यूम कितना है, V1। ठीक है, इनिशियली इसका वॉल्यूम कितना है, V1, तो अगर मैं पिस्टन से इसको प्रेस करूंगी, मान लो अब ये इस स्टेट में पहुंच गया है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया है, V2। तो अब हमने क्या किया है, सिस्टम के ऊपर काम किया है ना, तो वर्क डन क्या हुआ है, ऑन द सिस्टम। वर्क डन क्या हुआ है, ऑन द सिस्टम। तो ऑन द सिस्टम में क्या होता है, अगर आप इसको लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ V2 - V1। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम को आप V2 - V1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, V1 इतना है और V2 इतना है। ठीक है, V1 आपके पास इतना है और V2 आपके पास इतना रह गया, तो अगर आप माइनस करोगे दोनों टर्म्स को, तो ये चीज बड़ी है ये छोटी है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। आंसर क्या निकल के आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो जब भी आप बात करते हो, ठीक है, ये ऐसी टर्म्स है कि बार बार आपको नहीं बताई जाएंगी, ठीक है, बार बार नहीं बताई जाएंगी, बार बार कैलकुलेशंस करके देखोगे, टाइम खराब करने वाला टाइम काम है ये पेपर में। तो हमें पेपर में टाइम बचाना है, तो ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो जब भी हम ऑन द सिस्टम काम करते हैं, तो हम वर्क डन को नेगेटिव लेके काम करेंगे। ठीक है, तो जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो हम नेगेटिव लेके काम करेंगे, और जब भी हम बाय द सिस्टम काम करेंगे। अब बाय द सिस्टम से क्या मतलब है, बाय द सिस्टम से क्या मतलब है, अब आप मान लो आपने यहाँ पे पिस्टन लगाना छोड़ दिया, हम लोग ऐसे करते हैं इसको, मान लो ये बिकर था, इसमें गैस भर रखी थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, तो ऐसे था, अभी इतना वॉल्यूम हो चुका है, अपने पिस्टन लगा के इसको प्रेशर लगा के छोड़ दिया ना, अब आपका वॉल्यूम हो चुका है V1। ठीक है, इतना वॉल्यूम है, तो ये क्या करेगा, नेचर का रूल है कि हर एक चीज अपनी स्टेबल पोजीशन में रहना चाहती है, तो स्टेबल पोजीशन उसकी ये थी जब वो इक्विलिब्रियम में पड़ा था, तो अपनी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये एक्सपैंड करेगा, ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा।
ठीक है, तो एक्सपेंशन से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कितना हो चुका है V2, तो अगर हम बाय द सिस्टम पे देखेंगे जो वर्क डन है P V2 माइनस V1, अब इन दोनों में से कौन सा चीज बड़ी है, V2 बड़ा है V1 छोटा है, तो बड़ी चीज पहले है छोटी बाद में है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हमें दो चीजें पता चलती हैं कि अगर बाय द सिस्टम काम हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव लेना है, और अगर ऑन द सिस्टम काम होता है तो वर्क डन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। यहाँ पे सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के लिए इसको कोई काम नहीं करना पड़ा, ये अपने आप गया है। अब स्प्रिंग को ऐसे एक्सपेंड करके छोड़ दो या फिर कंप्रेस करके छोड़ दो, वो अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है अपने आप, वो क्या होगा, बाय द सिस्टम काम है, उसने खुद किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, अब बाय द सिस्टम या फिर ऑन द सिस्टम, इसको मैं एक और लैंग्वेज में बोल सकती हूँ, बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन ही की है ना हमने, यहाँ पे गैस पहले इतनी की जगह में थी, फिर ये एक्सपेंड करके इतनी जगह में चली गई, और यहाँ पे क्या होती है, कंप्रेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन होता है। कई बार पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सपेंशन के लिए वर्क डन बताओ, तो एक्सपेंशन मतलब खुद से काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेस किया जा रहा है तो सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, तो उसमें क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये आगे आपके बहुत काम आएंगी जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है कि जिसमें, साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहता है कि सिस्टम जहां से चला वहीं पे वापस आ जाना, ठीक है, सिस्टम यहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस आ जाना घूम फिर के, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मैं घर से एकेडमी आती हूँ, घर से एकेडमी आती हूँ, फिर शाम को फिर घर चली जाती हूँ, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, और ये साइकिल मैं डेली के डेली रिपीट करती हूँ, ठीक है। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाना, उसको आप क्या बोलते हो, साइक्लिक प्रोसेस। अब जो साइक्लिक प्रोसेस होता है वो दो तरह से होता है, या तो साइकिल क्लॉकवाइज लिया जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए, दो तरह से हो सकता है, या तो साइकिल लिया जाए क्लॉकवाइज या फिर साइकिल लिया जाए एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप क्लॉकवाइज लेते हो तो क्या होता है, ठीक है, जब भी साइकिल को क्लॉकवाइज ट्रेस किया जाएगा तो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा, तब आपका जो वर्क डन है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो वर्क डन आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारी चीजें आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। तो अगर साइकिल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव लेना है वर्क डन, और अगर नेगेटिव है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैक्सवेल इक्वेशंस का, मतलब मैक्सवेल इक्वेशन समझने के लिए आपको ये चीज आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो अगर हमने देखो मैक्सवेल इक्वेशन से बहुत वेटेज रहती है क्वेश्चन की, तो अगर मैक्सवेल इक्वेशन समझना है तो ये चीज आनी बहुत जरूरी है कि स्टेट वेरिएबल्स और नॉन स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स और नॉन स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सिर्फ, जैसे मान लो ये है एक, ये ए है ये बी है, ठीक है, अगर मैं जा रही हूं ए से बी जाना है, ठीक है, एक ये ए पॉइंट ए है ये बी है, ए बी मेरे एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई, तो मैंने ए से बी की तरफ जाना है, मैंने ए से बी की तरफ जाना है, तो मैं ए से बी ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं किसी भी पाथ से जा सकती हूँ, मैं किसी भी पाथ से जाना जा सकती हूँ, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने अब अगर यहाँ पटियाला से मलेरकोटला जाना हो, ठीक है, तो मेरे लिए अब दो रास्ते हैं, या तो मैं सीधा चली जाऊं, ठीक है, या फिर मैं बाय संगरूर चली जाऊं,
बहुत सारे मेरे लिए रास्ते हैं आगे, ठीक है। तो ए से बी जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ए से बी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो स्टेट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, उनसे उनको पाथ से कोई लेना देना नहीं होता है। स्टेट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, अब जिस मर्जी पाथ से जा सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं स्टेट वेरिएबल्स। और जो नॉन स्टेट वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं कि वो ए और बी है, ठीक है। अगर आप इस पाथ से जाओगे तो कुछ वैल्यू और होगी, अगर इस पाथ से जाओगे तो वैल्यू कुछ और होगी, अगर इस पाथ से जाओगे तो वैल्यू कुछ और रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट नॉन स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, या फिर इनको पाथ वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, इनको हम पाथ वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, तो ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करते ही हैं, साथ में ये अपना पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। इस पाथ के लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगी, और इसके लिए आपके पास मतलब जो क्वांटिटी की वैल्यू है वो क्या आएगी, अलग। तो स्टेट वेरिएबल है तो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और जो नॉन स्टेट वेरिएबल्स हैं ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के साथ पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि कौन से वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल्स हैं और कौन से नॉन स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो नेचर में, ठीक है, पी वी टी बहुत यहाँ पे ढेर लग रखा है, ठीक है, ढेर है स्टेट वेरिएबल्स का, बट आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टेट है और कौन से नॉन स्टेट है, कितने के वैल्यूज याद रखोगे? तो मेथड इसकी ट्रिक है कि आप सिर्फ नॉन स्टेट वेरिएबल्स को याद रखो, ठीक है, सिर्फ नॉन स्टेट वेरिएबल्स को याद रखो, ठीक है। यहाँ पे यू नहीं है, क्यू आएगा। नेचर में सिर्फ दो नॉन स्टेट वेरिएबल्स हैं, वो दो नॉन स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं, एक है हीट, ठीक है, हीट का सिंबल होता है क्यू, एक है वर्क डन। नेचर में सिर्फ दो ऐसे हैं वेरिएबल्स, दो नॉन स्टेट हैं, ये दोनों क्या है, नॉन स्टेट वेरिएबल्स हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स क्या हैं, स्टेट वेरिएबल्स है, बाकी सारे वेरिएबल्स क्या हैं, स्टेट वेरिएबल्स रहेंगे। तो स्टेट में इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे, जैसे ए हो गया, जी हो गया, यू हो गया, ठीक है, कुछ भी लगा लो, एंट्रोपी हो गई, तो ये सारे हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो स्टेट वेरिएबल्स को लर्न नहीं करना है, किसको लर्न करना है, नॉन स्टेट वेरिएबल्स को आपने लर्न करना है, ठीक है, नॉन स्टेट वेरिएबल्स को आपने लर्न करना है। तो हमारे पास ये कुछ थी, और एक चीज और, स्टेट वेरिएबल्स को डिफरेंशियल वेरिएबल, परफेक्ट डिफरेंशियल वेरिएबल भी बोला जाता है, इनको परफेक्ट डिफरेंशियल वेरिएबल भी बोला जाता है, ठीक है, इनको परफेक्ट डिफरेंशियल वेरिएबल भी बोला जाता है, और नॉन स्टेट वेरिएबल्स को हम लोग नॉन परफेक्ट डिफरेंशियल वेरिएबल भी बोल देते हैं। तो काफी नाम्स हैं, ये पता होने चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कंडीशन आती है कि किस वेरिएबल को कैसे चूज कर लेते हैं हम कि ये स्टेट है या फिर नॉन स्टेट है। मुझे कैसे पता चला कि ये स्टेट है या फिर नॉन स्टेट है, तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मान लो एफ एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, मान लो एफ क्या है, एक स्टेट वेरिएबल या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। तो अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये, डी स्क्वेयर एफ बाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी स्क्वेयर एफ बाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। अब ये कंडीशन क्या बोलती है, दो वेरिएबल्स है हमारे पास, एक एक्स है एक वाई है, कि चाहे मैं फंक्शन का पहले एक्स के साथ डेरिवेटिव करूं फिर वाई के साथ, या फिर पहले मैं वाई के साथ करूं फिर एक्स के साथ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे पहले एक्स के साथ जाओ, पहले एक्स के पास जाओ फिर वाई के पास जाओ, फिर पहले वाई के पास जाओ फिर एक्स के पास जाओ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, उसने सिर्फ रिजल्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करना है। तो अगर कोई फंक्शन आपका स्टेट वेरिएबल है तो इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी
करवानी पड़ेगी। तो फर्स्ट ये आगे कंडीशन स्टेट वेरिएबल बनने के लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो मैक्सवेल इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक बनेगी, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, वेरिएबल, ठीक है, कि हमने फंक्शन को ऐसे लिख दिया है, ए बी भी वेरिएबल है, एक्स वाई, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूं डी वाई, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं सी डी जेड। तो अगर एफ एक स्टेट वेरिएबल है और हमने डेरिवेटिव और एफ को ऐसे इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर एफ एक स्टेट वेरिएबल है तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, और ये शॉर्ट ट्रिक बनेगी मैक्सवेल इक्वेशन की। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले हम ले लेंगे इन दोनों का, ठीक है, आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करो इसके साथ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो इसके साथ और इसका डेरिवेटिव करना है इसके साथ। तो इसको देखो मैंने कैसे लिखा है, कर्ल ए बाय, ठीक है, कर्ल ए बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल बी बाय कर्ल एक्स, ठीक है, आपने ऐसा लिखना है कि इसका इसके साथ करना है और इसका इसके साथ करना है, तो कर्ल ए बाय कर्ल वाई और कर्ल बी बाय कर्ल एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि साथ वाला वेरिएबल आपने क्या रख देना है, कांस्टेंट, साथ वाला वेरिएबल क्या रख देना है, कांस्टेंट, तो इसको आप रख दोगे कांस्टेंट और इधर इसको आप क्या रख दोगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो साथ वाला क्या रख देना है, कांस्टेंट, मैंने यहाँ पे एक्स कांस्टेंट रख दिया और इधर क्या रख दिया, वाई कांस्टेंट रख दिया, और ऐसे ही ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है, ऐसे ही आपने इन दोनों का करना है। तो अगर आप इन दोनों का करोगे,